यकीन नहीं आ रहा हरिमोहन जी का परिवार अपनी बहू के साथ इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। जज साहब, आपने तो देख ही लिया कि ये मेरे चाची सास, माफ करना चाची जी, ये मेरी फूफा सास, ससुर, और ये मेरे ससुर मतलब बड़े बाबू जी। मिठाई गरीब है, सड़क पे आलू जलेबी बेचती है, इसलिए ये सब मिठाई को घर से निकाल रहे हैं। गरीब घर की लड़की कभी बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। जज साहब, जज साहब, माय फादर मिस्टर गिरीश सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि अपने माता पिता को भी घर से बाहर निकालना चाहते हैं। बड़े बाबू जी के बेटे तो मिठाई से बहुत प्यार करते हैं, अब उनको तो इस बात पे खुश होना चाहिए ना मेलाड। जज साहब, मिठाई को तो डर लग रहा है कि कहीं मिठाई के साथ कुछ गलत हो गया तो। नहीं मिठाई, मेरे फादर इतने क्रूर नहीं है। नहीं सिद्धार्थ जी, आपने बहुत बोले, कभी भी रसोई में गैस का सिलेंडर फट सकता है। आप भूल गए वो मेहंदी वाले दिन की बात? शर्म आती है मुझे, आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरीके से गिरी हुई हरकतें करते हैं घर की बहू के साथ और माता पिता के साथ। किसी भी किस्म का अत्याचार एक जघन्य अपराध है। मैंने इन दोनों की शादी का सर्टिफिकेट देखा है, तब मेरे मन में भी शक आया था, पर आज इन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर मुझे यकीन हो गया है कि इनकी शादी कोई नाटक नहीं है। ये मेरी अदालत नहीं है, पर कभी अगर ये मुकदमा मेरे सामने आया तो मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा सबको। जज साहब, यकीन मानिए, इन दोनों की शादी एक फरेब है। कोई सबूत है आपके पास? जज साहब, सबूत था, वो भी पक्का वाला, पर इस बिल्ली ने, मिठाई ने चोरी किया और फिर उसे जला दिया। चाची जी, आप कितना झूठ बोलेंगे? आपका चरित्र तो मैंने मेरी आंखों से देख लिया है, अब अगर सास के रूप में आपने अत्याचार किया तो मैं बिना किसी एफआईआर के आपको अरेस्ट करवा दूंगा। जैसा ये बड़े लोग प्यार के दुश्मन क्यों होते हैं?